हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। 9:30 बज गए हैं, सारे काम निपट गए हैं, बस दोपहर के खाने की तैयारी है, चाय वाय भी हो गई है। तो आज करानी है मुझे कन्नू की एक्टिविटी, इसलिए आज मेरा व्रत भी है और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा है। कपड़े नहीं धोया, कपड़े वही शाम के टाइम ही धोएंगे। कल भी मैंने शाम के टाइम ही धोए थे 3 बजे, तो 3 बजे दोपहर तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। और ये है कन्नू की कॉपी, जिसमें एक्टिविटी करनी है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और बनाना है सर्कल। इधर मैंने टेबल का भी चार्ट लगा दिया है। कन्नू की एक्टिविटी आती रहती है फोन पे, तो टेबल लर्न करता रहता है यहाँ से। तो 20 20 तक टेबल है, इसमें बता रहा है वाणी को, और वाणिका से 3 बोलना आया है। वाणिका और आर्यांश भी आ रहा है आज, तो अपने मामा जी के घर से आ गया है आर्यांश भी, और ये तीनों एक जगह खेल रहे हैं। आज मेरा और अंशी का व्रत है, अंशी का भी व्रत है, अंशी भी आ गई है पूजा करके, और मैंने भी तो सुबह जल्दी कर ली थी। और ये देखो छिपम छिपाई, देखे अंशी, देख देख देख, तेरे साथ जात कर रही, देख 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 दप्पा कन्नू भी छिप रहा भाई यहाँ तो। तीनों बच्चे छिप गए चार्ट के पीछे। वानिका ये कह रही है कि मुझे ऊपर चढ़ना है बेड पे, तो अभी चादर ठीक कर दी, फिर बच्चों ने ऐसी कर दी है तो होते रहता है, और अभी इसको यहाँ पे चढ़ाना है। जब भी कहती है नहीं मैं चढ़ाऊंगी बेटा गिर जाएगा ऐसे ही, और आज नहीं नहीं करके वानिका ने पहनी है ये वाली ड्रेस अपनी। ये वाली ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है वानिका की, लेकिन ज़्यादा गर्मी में नहीं पहनाई जाती। अभी थोड़ी सी ठीक सा मौसम है, 9:30 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए पहना दी, थोड़ी देर में चेंज कर देंगे। कन्नू तो चला गया अपना होमवर्क करने के बाद में, और वानिका कर रही है उसका होमवर्क। तो वानिका जैसे कन्नू कर रहा था ना होमवर्क, तो वो उसका कलर छीन के उसी की कॉपी पर ये कर दिया काम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वानिका, जो कन्नू के होमवर्क में बाधा करती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर लेके बैठती हूँ ना वहीं पहुँच जाती है। अब ये तो ऐनी सा गोद में लेके बैठे रहे कोई भी, और ये आ गए हैं, ये भी घूम फिर करके आ गए हैं। अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए इसमें, क्या चाहिए? बेडरूम पानी गिरना। अच्छा बेडरूम में पानी डाल रहे हैं आज। मम्मी ले गई, मम्मी घर क्या रहे, ये दरवाजे काम मारा। हाँ और आज बैटरों की भी काफ़ी दिनों के बाद, जब से आ रहे हैं ना, दूसरा साल लगने वाला है, आज पहली बार पानी डाला इसमें और पहली बार साफ़ सफाई हुई। तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो हो गई है बैटरों की, और एक दिन पूरी बैठक साफ़ करेंगे हम। बहुत दिनों में साफ़ सफाई का नंबर आएगा इसका। इसका तो कम से कम मैंने दिवाली पर साफ़ सफाई की थी बैठक की, उसके बाद नहीं साफ़ सफाई की, तो वाणी के बर्थडे के आसपास ही होगी इसकी साफ़ सफाई। तो पानी सुबह ही सुबह दे देते हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे पौधे सूख ही जाते हैं। आज कूल इनकी छुट्टी है, और कूलर, खिड़की, ये सारे के सारी चीज़ साफ करनी है इनको। सही है काम, है ना। बेडरूम में पानी डाल दिया है इन्होंने, 5 लीटर पानी सारा का सारा लग गया। मोल का लेके आए थे, वो पानी अलग ही आता है, नॉर्मल पानी डाल देते थे मेरे पापा तो पहले। क्या हो रहा है इनमें? अच्छा ये है वाणी की स्ट्रो, कैसे पिएगी वाणी का इसमें। Thank you.
12 बज गए हैं और धूप इतनी तेज है, बहुत तेज। तो चावलों में थोड़ी सी किनकी निकाल ली थी, पैर मतलब नंगे पैर आया भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी, चप्पल पहन के आ रही हूँ। बर्तन साफ किए ना अभी, पसीने से आ रहे थे तो बिंदी उतर गई पसीने आ करके। देर के लिए बर्तन चौकी पे रख दिए है साफ कर करके, इसका पानी सा निकल जाएगा तो इनको उठा लूँगी। और जो सुबह झाड़ू पोछा साफ सफाई इतनी अच्छे से की थी ना, सारी जगह इतना गंदा हो गया, बहुत ही गंदा, जैसा कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा हो गया। तो अब जब हवा रुकेगी जब भी थोड़ी सी साफ़ सफाई दोबारा से करेंगे। और यहाँ पे जो चावल है ये मैंने चावलों में से किनकी निकाल ली थी ना वो डाल ली हुई है, इसमें थोड़ी सी सुरसुली हो गई है। और इनकी हम तोड़ेंगे कचरी, ये देखो जी, इसमें मैंने नीम के पत्ते मिला करके रखे थे और सुरसुली निकल गई। नीम के पत्ते भी निकाल लूँगी और इनको अच्छे से धो करके इनकी खिचड़ी बना करके फिर इनको कचरी तोड़ेंगे, वो भी प्रोसेस दिखाएंगे हम सभी को। आज कार्तिक आया था अपना लैपटॉप लेकर के, इसके विंडो क्रैप्ट हो गई है। तो हो गई विंडो ठीक? अच्छा, सारा डाटा उड़ गया इसका। तो अभी कन्नू ट्यूशन से आकर के खाना वाना खा लिया है और पर्दों पर झूल रहा है। हाँ जी, ट्यूशन से आ करके क्या करोगे अब? पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, हैं? आर्यांश ने जल्दी जल्दी करके दिखा दिया, कन्नू पीछे रह गया। ऐसा हुआ क्यों भाई, क्यों हुआ ऐसा? मेहनत करोगे तो फिर पीछे नहीं रहोगे, आगे रहोगे सबसे, ठीक है? वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, जब आप जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे तो फिर आ जाएगा आपसे भी, ठीक है? तो ये बड़ा भी तो है, और इतनी धूप में आप कहाँ घूमने के लिए जा रहे हो? धूप में घूमने के लिए जा रहे हैं, धूप का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। हम तो बस अब लेटेंगे क्योंकि सुबह से काम करते करते टाइम हो गया, 12 बज गए। दोनों भाई बहन अब यहाँ करके मस्ती करने लगे। वानिका सोना नहीं है क्या बेटा आज? नहीं सोना नहीं है? हाँ भी हो रही है, ना भी हो रही है, एनसी के चल रहे हैं सीरियल। आज खाने में बनाए थे सूखे आलू मट्ठा और रोटी, और दीदी ने बनाया था पेठी की सब्जी, तो दो सब्जी हो गई थी। और जल्दी जल्दी बस काम तो नहीं मटी गया है, तो कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब ये कह रहे थे कि कोई तो छोड़ दो, स्कॉर्पियो के साथ में मैंने एक शॉर्ट बनाया था, चले ही जाना था, तो उस पर कमेंट आ रहा था कोई तो छोड़ दो। तो ये आप नहीं समझोगे, है ना, जब से दीदी ने गाड़ी ली है ना तो इतनी खुशी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी सोचा कि एक शॉर्ट बना लेती हूँ मैं भी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था देख करके कि दीदी के पास गाड़ी आ गई है। कभी का टाइम सभी मतलब हर तरीके का टाइम काटा है उन्होंने, उन्होंने बहुत ही इंजॉय भी किया अपनी लाइफ को, फिर थोड़ा हमें थोड़ा डिप्रेशन में भी चले गए थे। मतलब इतने कुछ वो करने के बाद में और इतनी अचीवमेंट हासिल कर लिया उन्होंने, तो हर किसी को उनके लिए खुशी होती है देख करके। तो उनकी खुशी में भी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार चलो पूरी फैमिली कितनी खुश है देख करके, अच्छा लगता है। तो अगर ऐसे हम नहीं करेंगे तो उनको भी शायद बुरा लगेगा कि हमारी खुशी में कुछ नहीं है शायद ये, तो इस तरीके से मुंह बना रहे हैं। तो हम बहुत बहुत खुश रहते हैं और इन्जॉय भी करते हैं उन सब चीज़ों को जो वे करते हैं और हम भी करते हैं। तो जैसे व्लॉगिंग करना, उनके साथ में कहीं पे जा रहे, ट्रिप पे जा रहे, इन्जॉयमेंट पूरा करते हैं, भरपूर करते हैं और खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, तो अच्छा भी लगता है जब पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, तीनों बहन भाई अम्मी इकट्ठे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो जी इसी के साथ में कर देते अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, गुड आफ्टरनून।